वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अपने दिखाने वाला हूँ क्रैकर का स्टैश। सो भाई, पहले तो आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। सो आज की वीडियो में आपको अपना क्रैकर का स्टैश दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं लाया हूँ दाल मंडी से काफ़ी सस्ते रेट में। सो चलिए फिर गाइस, मैं आपको अपना क्रैकर का स्टैश दिखाता हूँ, और अगर पसंद आएगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, देखो गाइस, ये कुछ मेरे स्टैश है क्रैकर्स के, पूरे के पूरे गाइस, जितने पटाखे देख रहे हो गाइस, पूरे 1000 के हैं ये पूरे इतने सारे। सो गाइस, दाल मंडी में बस बहुत सारे सस्ते सस्ते पटाखे मिल जाते हैं, तो मैंने ये जो पेंटा वेंटा जैसे ये सब पेंटा है, सेवन शॉट्स, ये सब बहुत वहाँ पे सस्ते मिल गए। तो ये पूरा मेरा 1000 में ये मेरा पूरा पटाखा आया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया, फिर मैं आपको अपने सारे पटाखों को खोल के भी दिखाऊंगा। सारे पटाखों के रेट गाइस मुझे ऑलमोस्टली नहीं पता है, लेकिन तब भी मैं कुछ पटाखों के आपको रेट्स बता दूंगा। सो चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो मेरे पास है यहाँ पे चक्कर मतलब चक्री, ठीक है, डीलक्स की। ये है आपकी, ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइस दी गई है 460 दी गई है प्राइस। एक्सपायरी डेट गाइस आप देख सकते हैं June 2025 दिया है, तो ये हमारी 2025 तक ये चक्री चल जाएगी। एंड इसकी प्राइस यहाँ पे 460 लिखी, लेकिन ये मुझे पड़ा है 250 का। एंड अगर आगे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है हमारे पास रॉकेट बॉम्ब, कंपनी देख लो भाई, क्रोकोडाइल का है, अच्छी कंपनी है। एंड इसकी एंड इसका प्राइस देखें हम लोग, तो इसकी प्राइस है 108 रुपये लिखी है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड इसका एक्सपायरी डेट भी आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस गाइस 108 दी गई है। ये मुझे पड़ा है 80 रुपये का पूरा डब्बा, देख सकते हैं, ठीक है, 80 रुपये का ये डब्बा पड़ा है मुझे। देखिए गाइस, देख सकते हैं कि रॉकेट का, वो भी क्रोकोडाइल कंपनी का, खाली 80 रुपये का मुझे ये डब्बा पूरा पड़ा है रॉकेट का। एंड ये पॉपअप है, ठीक है, टाइम पास के लिए चाहिए रहता है, तो मैंने एक पॉपअप लिया है। फिर यहाँ पर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर है मेरे पास पेंटा प्लस, पेंटा स्काई शॉट, ये भी क्रोकोडाइल कंपनी का है, मैं देख सकते हैं। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो कहाँ लिखा है भाई, एंड आप देख सकते हैं ये ग्रीन क्रैकर है, यहाँ पे देखिए लिखा है, ठीक है भाई, इसकी यहाँ दी है इसकी प्राइस भाई, यहाँ पे दिया है MRP 210 रुपये, और इसकी बेस्ट बिफोर 2026 तक ये चलेगा। एंड इसकी प्राइस 2010 दी है, ये मुझे करीब कुछ 190-180 करीब पड़ा था ये मुझे। एंड ये है यहाँ पे मेरे पास बिजली बम, ठीक है, ये मुझे पड़ा है, ये मुझे पड़ा 70 रुपये का पैकेट, ठीक है, क्रोकोडाइल कंपनी का। फिर है यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर की फुलझड़ी, ठीक है, कलर वाली है, देख सकते हो यहाँ पे, देख लो। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी यहाँ पे देखो, इन्होंने छुपा दिया, पता नहीं पेंट लगा दिया, पता नहीं इसकी कितनी प्राइस है, लेकिन उन्होंने मुझे ये एक ठो ये मुझे 20 रुपीज़ की दी है। एंड ये मैंने 5 पीस लिया, 5 पीस का आप रेट जोड़ सकते हैं कितना हो गया, ठीक है, एक इसका बॉक्स 20 रुपीज़ का है, ठीक है, इतने पटाखे देख लिए, और आगे भी हैं, ठीक है। ये एक बुलेट बॉम्ब है मेरे पास, मोरी का बुलेट बॉम्ब, ये भी गाइस ग्रीन क्रैकर है, देख सकते हैं ग्रीन क्रैकर का मार्क है इसमें। एंड इसकी प्राइस की बात करें, ये मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइस दी है 130 रुपये, और ये 2028 तक चलेगा। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का डिब्बा मुझे पड़ा है ये। एंड फिर आते हैं नेक्स्ट पे, तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 7 कलर शॉर्ट्स, ये इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस तो मेरे ख्याल से कहीं लिखा नहीं है, देख सकते हैं आप, इसका प्राइस तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसका अगर रेट आपको मोस्टली बताऊं तो ये तीनों मुझे पड़ा है 200 के करीब, ये मुझे तीनों पड़ गया, ये मुझे काफ़ी महंगा लगा। और जो पेंट देखो, वहाँ पे जो अनार मिले थे ना, सब छोटे साइज के थे, तो मैंने ये लिया है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा है मॉकटेल बार, मगर क्रोकोडाइल कंपनी का है। एंड ये भी ग्रीन क्रैकर है, आप यहाँ पर टैग देख सकते हैं यार, फोकस हो जाएगा, फोकस नहीं हो रहा कैमरा,
यहाँ भी इसका मार्क दिया है ग्रीन क्रैकर का। एंड इसके प्राइस की बात करें तो जो इसका पूरा बॉक्स था वो था 300 रुपये का, नहीं 450 का था। उन्होंने मुझे पूरा इसका बॉक्स जो 300 में दिया था, मैंने इसको डिवाइड किया था तो दो ठो मैंने अपने कॉलोनी में दे दिया था और एक ठो मेरे पास है, ठीक है। अब इसका एक का खाली प्राइस मुझे नहीं पता, ठीक है। अब और आगे अगर आते हैं तो मेरे पास है ये डायनेमेटिक फॉल्स, मतलब हाइड्रोबम, ठीक है, हाइड्रोबम। इसकी प्राइस आप यहाँ देख लो, हो गया। तो आप यहाँ पे इसकी प्राइस कहाँ देखिए भाई, इसकी प्राइस यार हाँ यहाँ है, इसकी प्राइस यहाँ पे दी गई 200 की। और ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। सो इसकी जो प्राइस है ये इसकी 200 यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये मुझे पड़ा है 150 का डिब्बा पड़ा है मुझे ये। एंड अब लास्ट में हमारे पास आता है ये भाई, हम सबका फेवरेट रहता है ये पैराशूट। ये गाइस इसके जो 10 पीसेस इसके थे 150 के, तो मैंने 10 पीसेस लिए थे जिसमें से 5 पीस मेरे पास हैं, 5 पीस मैंने कॉलोनी में दिए हैं, ठीक है गाइस। मैं अपने फ्रेंड्स को भी देता रहता हूँ। सो यहाँ पे 5 पीस मेरे पास हैं और 5 पीस मैंने दे दिए हैं। तो एक पीस जो इसका है वो 15 रुपये का पड़ा। एंड यही अगर आप कोई नॉर्मल शॉप से लोगे तो आपको ये पड़ जाएगा 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का, वो लोग 30 रुपये से नीचे कोई नहीं देता है। तो 30 रुपये का लोगे तो 30 × 10 करोगे 300 रुपये आपका बनेगा खाली 10 पीस का। और यही दाल मंडी से मैंने लिए हैं ये 150 रुपये में 10 पीस इसके पैराशूट के। सो बहुत फ़ायदा, वहाँ से ले सकते हो, जाओ और वहाँ से लो, देख सकते हो। तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच देखो, पाँच पीस के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे क्रैकर्स आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे अंदर से दिखते हैं। तो चलो दिखाता हूँ, चलो सबसे पहले खोलते हैं चक्री। सो भाई मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं उसमें कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं, तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से खोल रहा हूँ। ये देखो हमारी चक्री खुल गई। एंड गाइस काफ़ी अच्छी चक्री है, उन्होंने बोला है काफ़ी देर तक चलेगी। ये है चक्री, आप चक्री में देख सकते हैं कितनी अच्छी है, ठीक है, चक्री आप देख सकते हैं। एंड अब चलिए आप देख सकते हैं, ठीक है, चक्री आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको फुलझड़ी भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। सो कुछ ऐसी लगती है फुलझड़ी अंदर से, एंड मुझे लगता है कलर वाली है क्योंकि इसमें स्पार्कल्स तो हो सकता है इसमें स्पार्कल्स इसमें कलर ना निकले। सो कुछ इस टाइप की फुलझड़ी है ये, एंड ये मुझे 20 रुपीज़ की एक पड़ी है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास ये मिर्ची बम, इसको भाई हर कोई जानता है, आप ये देख सकते हो, इसके अंदर से दिख भी रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ अंदर इस टाइप के हैं, आप देख सकते हैं अंदर। तो इसको मैं नहीं खोल रहा हूँ, उसको मैं कल ही खोलूँगा। एंड कल दिवाली का व्लॉग भी आने वाला है, दिवाली व्लॉग भी कल देख लेना। चलो भाई यार खुल ही गया है, तो एक तो गिर भी गया, तो एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो कुछ उस टाइप का, यहाँ से ना ये ओपन हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो कुछ उस टाइप का ये। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये 80 रुपीज़ का है, 80 रुपीज़ का। एंड इसकी MFG रेट है 2021 और ये बेस्ट बिफोर है 2026, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है। एंड ये 80 रुपये का, ये मुझे 70 रुपये का पड़ गया, ठीक है। तो भाई अब खोलते हैं भाई हमारा स्काई शॉट, सो सबका फेवरेट है भाई, चलो इसको खोल लेते हैं भाई। इसको भी हमने खोल ही लिया है ऑलमोस्टली। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 220, अरे 220 कह रहा हूँ, 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पेंटा प्लस खुलते हुए, ओके। सो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे ये है पेंटा प्लस हमारा, भाई कितना बढ़िया है। एक तो मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ हाथ, इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे कैसे कैसे कलर, खाली स्पार्कल्स दिए हैं इसमें। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, जैसे इसमें ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है। एंड इसका साइज़ आप देख सकते हैं कुछ इतना है इसका साइज़। यहाँ पे पेंटा लिखा है एंड यहाँ पे अमिताभ बच्चन की फ़ोटो दी गई है। सिल्वर कलर, देखो इसमें कलर, इसमें कलर का ध्यान भी दिया, इसमें सिल्वर कलर है।
एंड इसमें दिखाते हैं, इसमें देखते हैं रेड वाले में कौन सा कलर है। इसमें है रेड कलर, इसमें होगा ग्रीन कलर ना। हाँ इसमें इसमें ग्रीन कलर है, नहीं इसमें कोई और कलर है क्या? इसमें जैस्मीन कलर है। अच्छा जैस्मीन कलर का है। एंड इसमें आते हैं, इसमें है गोल्डन कलर, इसमें आते हैं, इसमें है सनराइज कलर। अच्छा ओके भाई काफी अच्छा है कलर। सो भाई कल इसकी टेस्टिंग होगी तो दिवाली का व्लॉग भाई मिस बिल्कुल मत करना। चलो भाई इसको भी रख देते हैं, नेक्स्ट पटाखे पे आते हैं। सो नेक्स्ट पटाखे पे आए तो वो है रॉकेट। चलिए भाई रॉकेट को भी खोल लेते हैं, रॉकेट हमारा कैसा दिखता है। एंड कोई विस्लिंग रॉकेट नहीं है, नॉर्मल रॉकेट है जो ऊपर जाकर खाली फटता है, क्योंकि विस्लिंग वाला मैंने ढूंढा, विस्लिंग वाला वहाँ नहीं था। भाई जो मिल रहा है इस समय वही ले, मैंने वो सोचा जो मिल रहा भाई ले लिया। चलो दाल मंडी भी बहुत मिलती है। सो यहाँ पे हमारे पास रॉकेट मीडियम साइज है भाई रॉकेट का, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस मीडियम साइज का रॉकेट है, इसमें भी देख सकते हैं भाई इस तरह का है कुछ मोरी का, ये देखिए। नेक्स्ट पटाखे पे आए तो सो गाइस अब जो लास्ट हमारा पटाखा बचा है वो है ये सूत, हमारा वही जो भी अब इसको कह लो सूतली बम कह लो, हाइड्रो बम कह लो, कुछ भी कह लो। सो भाई इसको भी इसका भी टेप खोल लेते हैं भाई, ऐसा टेप खोल खुलता नहीं है भाई जल्दी। हाँ खुल गया, इसको इधर ला के खोलते हैं भाई, बहुत बहुत बिग साइज़ है ये, VIP साइज़ नहीं का इसको बिग साइज़ कहेंगे, काफ़ी तेज़ साउंड करता है उन्होंने बोला है। देख लो भाई ये है कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। अब इसकी कल टेस्टिंग भी हुई फिर पता चल जाएगा भाई साइज़, काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीसेज इसके भी भाई। ये देखो गाइज हमारे ये कुछ 1000 की ये पूरे क्रैकर्स थे, मैं इसमें और भी क्रैकर्स ऐड कर सकता था लेकिन मैंने और क्रैकर्स ऐड नहीं की, लेकिन ये मुझे पूरे 1000 के पड़ गए, लेकिन हो सकता है। एंड गाइज ये सारे कंपनी के लिए हैं तो थोड़े हाइड्रेट इनके थे इनके सभी के। सो ठीक है, ये पेंटा है ये हमारा रॉकेट, अनार ये वाला कैन वाला, 7 शॉट्स, बुलेट, फॉयल, हाइड्रोबम, पैराशूट एंड मिर्ची बम, फुलड़ी 5 पीस, चक्री, बुलेट, फॉयल, बाकी सब। और आप सब देख सकते हो पूरे मेरे क्रैकर्स ये मुझे पूरे 1000 के पड़ गए, एंड हो सकता है उन्होंने मुझसे थोड़े पे ज़्यादा पैसे चार्ज किए हैं, लेकिन भाई उन्होंने कहा है कि एक भी पटाखा आपका ख़राब नहीं निकलेगा भाई, वो टेस्टिंग करके पता चलेगा। सो कल की वीडियो गाइस देखना दिवाली व्लॉग की कैसी कल मैं आपको सारे अपने पटाखे को टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। सो आप देख लो यहाँ पे सारे पटाखे हैं 1000 में, 1000 का स्टैश था मेरा ये, ठीक है आप देख लो। तो भाई चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।